आमिर खान की नई फिल्म तनाज़ात का शिकार, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट आमिर खान, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तो बॉलीवुड के अदाकार आमिर खान ने आवाम से दरख्वास्त कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। भारत में फिल्म का बायकॉट करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और ट्विटर पर अब तक बायकॉट लाल सिंह चड्ढा हैशटैग के साथ हजारों ट्वीट्स की जा चुकी हैं। आमिर खान ने इस पर कहा है कि हमारी फिल्म का बायकॉट ना करें। ट्वीट्स देखकर मुझे भी दुख हो रहा है कि लोग ये मानते हैं कि मैं भारत को पसंद नहीं करता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये दुरुस्त नहीं है। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो प्लीज मेरी फिल्म का बायकॉट ना करें बल्कि इसे देखें। उनकी फिल्म के खिलाफ बायकॉट मुहिम की वजह उनके 2015 में दिया गया एक बयान है, जिसमें आमिर खान ने कहा था कि इनकी साबका अहलिया करण राव ने उनसे कहा था कि भारत अब महफूज नहीं रहा, इसलिए हमें किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाना चाहिए। ख्याल रहे कि लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के हमरा करीना कपूर, साउथ इंडियन फिल्मों के अदाकार नागा चेतना और मोना सिंह अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।